बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये वायलिन और तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय, आपका चिन्मय गॉड। और आज हम ये प्यारा सा गीत सीखने वाले हैं, सरलता पूर्वक सीखेंगे लास्ट, लेकिन साथ में बढ़िया कुछ एडवांस की टेक्निक्स भी सिखाऊंगा मैं आपको। और फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको बार बार पॉलिश करोगे, उतना अच्छा बजेगा। बाकी सब आपकी मेहनत के ऊपर है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने अपने वायलिन को सी स्केल में ट्यून कर रखा है, पसा पसा ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का, स्केल का, बेसिक लेसन, ये सब मैंने पहले अच्छे से बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, जाओ जाके देखो। हाँ अच्छा, अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यू ही बना रहे, तो जाइए लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। दिख रहा है ना आपको, है ना? हमारे कैमरामैन से मैं विनती करूंगा, थोड़ा कैमरा पास में ले आए, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को साफ मेरी फिंगर्स दिखे। अच्छा, ये ब्लैक ब्लैक क्या हो रहा है? तो ये मैंने वोट दिया था, देखो मैं वोट भी देता हूँ। हाँ, देना चाहिए। चलो, तो बड़े, हाँ बजाना मत आप, पहले देख लो। बड़े, मेरी शक्ल भी आ रही है ना, बड़े रे गा रे सा, बड़े रे गा रे सा, बड़े रे गा रे सा। अच्छा, फोकस को अच्छा करने के लिए, है ना, कैमरामैन इस पे क्लिक कर सकते हैं मेरी फिंगर्स के यहाँ पे, ताकि इस पे फोकस आए। बड़े बड़े रे गा रे सा, अच्छे अच्छे फिंगर्स देखो ध्यान से, अच्छे सा नी धनी ध, सा नी धनी ध। हाँ, बड़े रे गा सा नी धनी ध, लगते हैं नी सा ग, रे गा रे सा नी धनी ध, नी सा ग। ग पे रुक रहे तो हल्का सा विब्रेटो, ग ये धरती, तो ग प म रे म ग सागरे और नी सा। हाँ, ग प म ये धरती, ये नदियाँ, रे म ग सागरे, ये रहना और तुम, ठीक है? अब थोड़ा सा और मैं डिटेल बता रहा हूँ, देखो देखो, थोड़ा सा एडवांस की टेक्निक। रे गा रे सा नी धनी ध ध ध, वो जब सा नी ध नी ध करोगे, सेकंड वाले ध में हल्का सा ऐसा हरकत करना, मैं अभी करके बताऊंगा। लगते हैं, तो लग लगते हैं, लगते हैं, फिर इससे ये धरती ग प म। अगर आप ऐसे बजाओगे ग प म, जिसमें ओपन प आएगा, तो आप वो हरकत नहीं कर पाओगे, है ना? तो हमको हरकत करने के लिए ग प म ये धरती रे म ग, देखा कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ फिंगर को, ग ऐसे बजा रहा हूँ मैं रे वाली फिंगर से। पोजीशन सही रखना, हाँ वायलिन में सुर बिगड़ने का बहुत चांस होता है। ग प म रे म ग सागरे नी नी सा, ठीक है? अब यहां तक बजा के दिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा बो में भी ध्यान देते रहना, है ना? बो का भी अलग अलग स्टाइल होता है। हाँ,
वापस बजाऊंगा। या फिर वो को काट भी सकते हैं। सा नी ध नी ध, सा नी ध नी ध, नी सा ग। जब सा से घ पे आओगे तो वो सही जगह रुकना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। है ना, अब गलती से दो स्ट्रिंग एक साथ बज सकती है, क्योंकि मेरा वायलिन बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था, मैं अब निकाल रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रिंग भी सेट करनी है, तो थोड़ा सा आवाज ऐसा आ रहा होगा, लेकिन आपको अच्छा बजाना है प्रैक्टिस कर करके। हाँ, आगे सीखते हैं। अब आगे जो है वो ओ माझी रे, तो ओ निध निध पद, निध निध पद स्पीड से आएगा। ओ माझी रे निध निध पद, नी नी सा नी सा निध निध पद नी ध प। फिर कोमल नी भी देखो ध्यान से, फिंगर देखो ध्यान से। ओ ओ माझी रे, वो जो खींच रहे हैं उसमें विब्रेटो करना। निजा नि धनी धप ए पदनी धप, निजा नि धनी धप धनी धप, गप निध पदनी धप, गप निध निध पदनी धप धप। ओरिजिनल सॉन्ग को प्लीज सुनो, तब आपको आइडिया मिलेगा कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। अगर आपने ओरिजिनल सॉन्ग को नहीं सुना अच्छे से, तो फिर आपको ये आप ऐसे गलत तैयार कर लोगे, मज़ा नहीं आएगा। तो ओरिजिनल सॉन्ग का रेफरेंस कानों में धुन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। नहीं था पता तो स्पीड से होगा। गापा गापा नहीं था पता नहीं उसके स्वर है, लेकिन टाइमिंग देखो। फिर इसका अंतरा आता है जो बहुत सुंदर है ना। अंतरा क्या है जो मेरा आप सबका फेवरेट होगा, बहुत प्यारा है। हम तुम कितने सा 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 सा, पास है कितने सागर गरे सानी। वापस, हम तुम कितने पास है कितने सा 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 सा, सागर गर सानी। दूर है चांद सितारे, नी 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 सा नी धनी नी सा। ध्यान से देखो, सा 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 सा, हम तुम कितने, हम तुम कितने, सा 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 सा, पास सागर गर सानी 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 सानी। या फिर सागर गर सानी, सिंपल भी कर सकते हो। नी 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 सानी धनी नी सा। हाँ, सेकंड लाइन, सच पूछो तो गगर गग, ग ग ग ग ग, गप मा गप मा गप मा गरे रे, ग ग ग ग ग। फिंगर देखो, गप मा
ये फिंगर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे ओपन प ना प्ले करना पड़े, नहीं तो ग प मा ग रे रे सिंपल भी कर सकते हैं, ग ग ग ग ग ग प मा ग रे 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 तीव्र मा मा प रे रे मा 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 प बड़े अच्छे लगते हैं। अब अंतरा सुनो, वापस दोस्तों, इस लेसन का टारगेट बनाओ कि रोज 21 दिन तक आप इसी वीडियो को खोलोगे, देख देख के प्रैक्टिस करोगे, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस दोगे और कम से कम एक गाना तो ढंग से तैयार कर लोगे। टूटे फूटे तो आप बहुत सारे गाने बजा लेते हो, जानता हूं मैं, लेकिन एक गाना अच्छे से परफॉर्म करना, आप परफॉर्म करने के लायक तैयार करना है, वो टारगेट सेट करने से होगा। तो टारगेट सेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी संगीत में चिन्मय, तो ज़रूर पढ़ लेना। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका अमेजॉन का लिंक है, एकेडमी को फ़ोन करके भी मंगवा सकते हो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और बहुत सारी काम की संगीत पे जानकारी है। साथ ही में ऑनलाइन एकेडमी चलती है, आप घर बैठे बैठे संगीत सीख सकते हैं। और मुंबई में मलाड वेस्ट के एरिए में ऑफलाइन एकेडमी भी है। फिलहाल मैं मुंबई में हूँ तो यहाँ मैं ऑफलाइन भी सिखा रहा हूँ। चलिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका साथ प्यार और आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बनाए रखिएगा। जय हिंद और जय भारत।